बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं। जी जनाब, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब आई थी, जिनकी 20 मई लास्ट डेट थी, अप्लाई हो चुका है। जिन लोग जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, तो मैंने आपको बताया था कि जनाब मैं आपको इसका प्रॉपर जो एक इसका सिलेबस है वो बताऊंगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सर्च किया है। और इसका जनाब याद रखिएगा कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो भी जॉब है, आप इंटरव्यू में यानी पास होना चाहते हैं टेस्ट के अंदर, तो आपको कम से कम 100 में से 50 नंबर लेने होंगे और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सिलेबस क्या होगा, जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई किया है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ क्लियरली, ताकि आप जो है अच्छी तरह से कर सकें। जी सबसे पहले जनाब आपको बता दूँ कि जो सबसे पहले प्रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, 50% प्रिक्रूटमेंट के रिलेटेड आएगा और 50% जनरल नॉलेज आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा मैंने सर्च आउट किया तो ये देख लें, 10% इंग्लिश आएगा, 10% मैथ आएगा, 10% इंटेलिजेंस क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर 10% और कंप्यूटर 10%। एक्चुअली ये जो कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, IQ है, मैथ है, इंग्लिश है, इन तमाम को मैं करंट अफेयर जनरल नॉलेज ही कहता हूँ। तो ये चीज़ें हर पोस्ट के अंदर 50% आएंगी। अगर आप एडमिन ऑफिसर का देना चाहते हैं तो MBA के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, MPA के अंदर पब्लिक एड होता है, 50% वहाँ से बनेगा और 50% जनरल नॉलेज। HR एंड लीगल के अंदर 50% सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी HR एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 50% जनरल नॉलेज। IT या स्टेटिस्टिकल ऑफिसर 50% कंप्यूटर साइंस या IT स्टेटिक्स और 50% जनरल नॉलेज। फाइनेंस एंड बजट में अकाउंटिंग और अकाउंट्स और फाइनेंस में से 50% आएगा और 50% आपका आएगा जनाब वाला जनरल नॉलेज। ऑडिट ऑफिसर का अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिट में से आएगा 50% जनरल नॉलेज। बायोमेडिकल इंजीनियर 50% बायोमेडिकल का और 50% जनरल नॉलेज। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का 50% टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आएगा और 50% ये जनरल नॉलेज। लॉजिस्टिक ऑफिसर का 50% सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट और 50% आपका GK। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 50% टाइपिंग होगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट और 50% आपका जनरल नॉलेज आएगा। तो ये एक अहम तरीन सिलेबस था जो मैंने आपसे शेयर किया है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। जो लोग इस ये चाहते हैं कि जनाब वो ये तैयार करें अच्छी तरह से और सेलेक्ट हो जाएं, पास हो जाएं, तो वो हमारी अकेडमी का रुख करें इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन इसकी प्रॉपर तैयारी हो रही है, हम तैयारी आपको कराएंगे। ये 50% पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा 50% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड या पोस्ट रिलेटेड, वो आप खुद तैयार करेंगे। तो ये जनाब जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं पहले, जिनकी 20 मई लास्ट डेट थी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं 03077603270, जहाँ पर आपके रोज़ाना क्लास होती है और रोज़ाना टेस्ट होते हैं। क्लास की टाइमिंग रात के 8 बजे से लेकर 9:30 तक और टेस्ट लिंक के जरिए होता है ऑनलाइन दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे, जब मर्जी होते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक आपको सिलेबस बताना था। और इसका जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट को भी देर है, इसके टेस्ट होगा तकरीबन जाके जुलाई के आखिर में जाके होगा, जुलाई में या अगस्त में जाके होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छी तरह करें। इसके अंदर जो लोग जनाब 75+ में मार्क्स ले जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो इंटरव्यू उनको कॉल आएगी, उनके सेलेक्ट होने का चांस बनेगा। तो तमाम लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि जनाब इसको आप फोकस करें। इसके अलावा PPSC की जो खबरें हैं वो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे शाम के टाइम, जो हमारे पास खबरें आएंगी उसके मुताबिक हम बनाएंगे, क्योंकि अभी तक PMS की कोई उन्होंने रूल नंबर स्लिप अपलोड नहीं की, ना ही उन्होंने अभी तक जो है कोई प्लानर को अपडेट किया, लिहाजा इसकी खबरें हम बाद में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।